12.47 लाख करोड़ रुपए थी, वर्तमान में हमारी जीएसडीपी 17,49,469 लाख करोड़ रुपए पर पहुंची है। ये 5 वर्ष में जो इजाफा हुआ है लगभग 40% का इजाफा हुआ है, और ये हमारे लिए एक संतोष की बात है कि हमने तमाम विपरीत स्थितियों को फेस करते हुए अपनी जीएसडीपी को बेहतर प्रबंधन के आधार के ऊपर इस वृद्धि तक पहुंचाया है। इसके साथ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो हमारा है वो भी अपने आप में उल्लेखनीय है, लगभग 6% हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ा है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तब हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 46% था, 6% की वृद्धि इसमें हुई। हमारी बैंक शाखाओं में भी वृद्धि हुई है, लगभग 90,000 से अधिक बैंकिंग आउटलेट्स। बैंकिंग आउटलेट्स से मतलब यह है कि जिसमें बैंक मित्र और बैंक सखी शामिल हैं, लगभग 1,14,882 बैंक मित्र और सखी जो उनके माध्यम से भी ये आउटलेट्स हैं, यानी कि वो लोग भी इस बैंकिंग सिस्टम में हमारे आम जनता को सहयोग देते हैं। और वर्तमान में हमारे 19,056 बैंक हैं उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था के तहत इस 1,14,000 और 19,056 को अगर जोड़ लें तो 1,33,938 ये हमारा बैंकिंग आउटलेट्स है, जो अपने आप में विशेष रूप से लोगों की सुविधा के लिए है। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है कि हमने पिछले 5 वर्षों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल लेन देन को बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 21-22 में दिसंबर तक 268 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजेक्शन किया गया। ये 17-18 में 122.84 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ था, जो 20-21 में 391.02 करोड़ रुपए तक पहुंचा। जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा उतना ज्यादा पारदर्शिता होगी, और मैं समझता हूं कि वित्तीय मामलों में जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी उतने सभी लोग उसका अनुभव कर सकते हैं उसकी परिस्थिति। हमारा जो बजट साइज था वो भी पिछले वर्ष 5 वर्षों में उसमें भी इजाफा हुआ है। पहला बजट हमारा 384,659.71 करोड़ रुपए का था, और अंतिम 21-22 का जो हमारा बजट था वो 566,051.84 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जिस प्रकार से बैंक अकाउंट्स में वृद्धि हुई वो भी अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है, और उत्तर प्रदेश इसमें फर्स्ट नंबर पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। 2022 तक 7.90 करोड़ लाभार्थी हैं, जबकि 5 वर्ष पहले 2017 में जब हमारी सरकार आई थी 4.47 करोड़ लाभार्थी थे। 5 वर्षों में 3.43 करोड़ लाभार्थियों की वृद्धि हुई। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।